तुम सभी आज इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो मैं अपने चैनल पर हमेशा कुछ नए गेम्स बताता हूँ। एंड आज फिर मैं कुछ 2 GB रैम गेम्स बताने वाला हूँ जो कि शायद तुम ढूंढ रहे थे। तो शुरू करते हैं। अब जो तुम्हारा फर्स्ट गेम है वो एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड गेम है। एंड काफी कम गेम मेडिवल वर्ल्ड पर बनते हैं, ये तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, पर जितने भी अभी तक बने हैं ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है। और इस गेम का नाम है बाउंड बाय फ्लेम। एंड अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें जैसे कि कॉम्बैट, तो तुम्हें इसमें काफी मिक्स टाइप का कॉम्बैट देखने को मिलता है। एंड मेरा मिक्स टाइप से मतलब ये नहीं कि तुम्हें गेम में कुछ जगह हाई और कुछ जगह लो कॉम्बैट मिलेगा, मेरा मतलब कि ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है जिसे तुम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। बाकी अब हम बढ़ते हैं तुम्हारे सेकंड गेम की तरफ, जो एक ऐसा गेम है जिसे उसे उसकी ऑथेंसिटी के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीड फॉर स्पीड शिफ्ट की, जिसे तुम में से कुछ परसेंट लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं। एंड इस गेम को अवार्ड ऐसे ही नहीं दे दिया, क्योंकि गेम में वो बात है जो होनी चाहिए, क्योंकि गेम के अंदर जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलने वाला है रियल वर्ल्ड फिजिक्स के साथ वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। एंड एट द एंड तुम्हें इस पिक्सल परफेक्ट कार गेम को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये गेम तुम्हारे सभी गेम से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक थिंकिंग पर्सन शूटर गेम है जो तुम्हें शायद पसंद आ सकता है अगर तुम्हें हार्डकोर और डेडली टाइप गेम खेलना पसंद है। एंड ये गेम स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें FPS के साथ कुछ हार्डकोर टाइप गेम चाहिए। मतलब सच में अगर तुम एक हार्डकोर गेमर हो तो तुम्हें ये पसंद आ सकता है, जिसका नाम है टेक डाउन रेड सेबा। एंड एक बात और कि इसमें तुम्हें जो भी वेपन्स मिलेंगे वो कुछ हद तक रियलिस्टिक लगेंगे, मतलब 2 GB रैम के हिसाब से काफी सही लगेंगे और तुम चाहो तो इसकी तरफ जा सकते हो। अभी सबसे पहले मुझे तुम्हें एक चीज कहना है कि यार मुझे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं जल्द से जल्द, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाकी जो एक गेम है वो एक सर्वाइवल शूटर गेम है ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ, मतलब सर्वाइवल प्लस ओपन वर्ल्ड। देख रहे हो ना तुम लोग मैं तुम्हारे लिए कितने यूनिक गेम ढूंढ कर लाता हूँ। एंड ये पूरा गेम ईस्टर्न यूरोप के फिक्शनल स्टेट के अराउंड बना हुआ है, जहाँ पर काफी सारी टेरिटरी इन्फेक्टेड हो चुकी है किसी टाइप के रेडिएशन से। और इस गेम का नाम है वोडगा ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल शूटर। एंड अगर तुम इस गेम को ट्राई करते हो तो तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, किसी भी तरह सर्वाइव करना। अगर अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच। बाकी जो एक गेम है उसमें एक रशियन व्हीलर कुछ डिस्टर्ब सिग्नल भेजता है, मतलब क्या हेल्प के सिग्नल भेजता है, और वो उस टाइम आर्कटिक स्टॉर्म में फंसा हुआ होता है अपनी शिप के साथ। तो तभी तुम्हारे कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि कोर्ट गार्ड है, एंड उसे अभी इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और इस गेम का नाम है कोल्ड फियर। एंड तुम्हारे पास इसको ट्राई करने के काफी सारे रीजंस है, जैसे कि तुम्हें गेम में काफी चीजें डिस्कवर करने को मिलेगी जहाँ पर खुद तुम्हारे कैरेक्टर की जान भी खतरे में है, पर तुम एक चीज फिर भी कर सकते हो, वो है चैनल सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन के साथ।